हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का एक बहुत ही सिंपल चैप्टर और बहुत ज्यादा रिपीटेडली एग्जाम में पूछा भी जाता है, जो हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़े हुए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कॉमर्स का बैकग्राउंड हो जरूरी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो साइंस से हो आर्ट्स से हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चैप्टर में, बस थोड़ा बहुत बात भी जान ले तो वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 100% सही बना देगा। आइए शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले ये जाने कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है क्या। हम बोले सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन का मतलब होता है मिलाना, मतलब किसी चीज में डिफरेंस आ जाता है उसको अगर हम मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं रिकंसिलेशन, कि सर मिलान करना इसको हिंदी बोलते हैं। तो बैंक रिकंसिलेशन में क्या मिलाना है सर, क्या डिफरेंस आ गया। हम बोल रहे बाबू बैंक रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि सर रिकंसाइल करेंगे डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। जो बैंक के पास, जो बैंक हमको पासबुक देती है और हम भी तो एक कैशबुक बनाते हैं जिसके अंदर बैंक कॉलम होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को दूर करने को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन। फिर सुनिए, हम बोल रहे हैं सर बैंक रिकंसिलेशन का मतलब क्या। हम बोल रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन दी कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक पासबुक। जो बैंक का पासबुक है और बिजनेस का जो कैश बुक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को खत्म करते हैं, उस डिफरेंस को मिलाते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो सर सवाल उठता है कि डिफरेंस आता ही क्यों, अगर हम बिजनेस है और हम बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं तो हम एक कैश बुक बनाते हैं जिसके अंदर बैंक का कॉलम होता है और बैंक पासबुक बनाता है उसके अंदर मेरा अकाउंट रहता है, तो सर दोनों में डिफरेंस क्यों आएगा। अगर हम बैंक में जाके पैसा जमा किए तो बैंक में भी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। हम बोले हाँ, फिर भी डिफरेंस तो आता है। दो मेन रीजन है डिफरेंस के, एक जो सबसे अधिक होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, हम बोले हां, सुनना ध्यान से, हमको एक चेक मिला, तारीख है 30 मार्च, 30 मार्च को चेक मिला, हम कौन है, हम है बिजनेस। मेरा अकाउंटेंट क्या खोल के बैठा रहता है, कैश बुक जिसमें बैंक का कॉलम है। कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है बाबू, वो करेंट अकाउंट होता है। जो आप बैंक हमेशा बिजनेस में लिखते हैं वो कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, करेंट अकाउंट। वो एफडी नहीं है, वो सेविंग अकाउंट नहीं है, वो रेकरिंग अकाउंट नहीं है, वो क्या है। तो हम बोल रहे हैं सर वो है करेंट अकाउंट। हम बोले ठीक, हमको 30 तारीख को किसी से चेक मिला, उससे पैसा लेना था, वो चेक से हमको पैसा दे दिया। हम बोले ठीक, हम अपने अकाउंटेंट को बोल रहे हैं अकाउंटेंट जी बैंक जा रहे हैं पैसा जमा करने, क्या मेरा अकाउंटेंट फटाक से कैश बुक में पैसा को बढ़ा दिया होगा कि सर आप बैंक जा रहे हैं पैसा जमा करने, चेक जमा करने, तो आपका बैंक बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। तो मेरा अकाउंटेंट 30 मार्च को डेबिट साइड में क्या लिख दिया, उस आदमी का नाम और पैसा लिख दिया बैंक के अंदर कि आपका बैंक में पैसा अब बढ़ जाएगा। हम बैंक गए, बैंक में चेक डाल दिए, बैंक में वो चेक क्लियर हुआ है 2 तारीख को। आप सोचो मेरा अकाउंटेंट 30 तारीख को बढ़ा दिया पैसा, वो बोला आप जमा करने जा रहे हैं पैसा बढ़ जाएगा बैंक में, और हम जब बैंक को दिए तो बैंक को 3 दिन लग गया उसको क्लियर करने में। बैंक उसको पैसा जमा कब लिया, 2 तारीख को। जब हम 31 तारीख को अपना अकाउंट बना रहे हैं कि सर 31 मार्च को हम अपना देखना चाहते हैं पासबुक और बैंक बुक का बैलेंस सेम है या नहीं, तो हम बोल रहे हैं सर 30 तारीख को जो चेक मिला था उस चेक से आपका कैश बुक अधिक दिख रहा है, लेकिन वो पैसा 31 तारीख तक बैंक में जमा ही नहीं हुआ है,
क्योंकि जो चेक मिला है बैंक को उसका क्रेडिट बैंक कब दिया? हम बोले सर 2 तारीख को, तो 31 मार्च तक तो बैंक में वो जमा ही नहीं हुआ, तो क्या बैंक का पासबुक बढ़ा होगा? हम बोले नहीं। क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? हम बोले हाँ सर, ये है टाइमिंग डिफरेंस कि सर जमा तो होगा लेकिन दोनों के टाइमिंग में अंतर है। कैशबुक वाला जो अकाउंटेंट है मेरा वो 30 तारीख को रिकॉर्ड कर दिया, जबकि बैंक में वो पैसा जमा कब हुआ है, कब आया है अकाउंट के अंदर? 2 अप्रैल को। तो सर 31 मार्च को अगर हम मिलाने जाएंगे तो ऑफकोर्स मेरा कैशबुक का बैंक कॉलम और मेरा पासबुक दोनों कैसे मैच करेगा? मेरा कैशबुक का बैंक कॉलम हमको दिखा रहा है कि 30 तारीख को पैसा मिला, जबकि मेरा पासबुक दिखा रहा है 31 तारीख तक कोई पैसा नहीं मिला। दोनों के बीच में क्या आ गया है? डिफरेंस। तो हम बोले सर ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, गलती कुछ नहीं है, टाइमिंग का डिफरेंस है। हम बोले हाँ ठीक करना पड़ेगा। हम बोले ऑफकोर्स इसको रिकनसाइल करना होगा, मिलाना होगा डिफरेंस को। हम बोले ठीक। दूसरा इधर कब हो सकता है सर? दूसरा डिफरेंस कब आ सकता है बैंक रिकंसिलेशन में? अगर आप कुछ गलती कर दीजिए या कुछ ओमिशन कर दीजिए, ईरर या ओमिशन हो जाए, मतलब किसी ट्रांजेक्शन को कैशबुक में लिख दिए लेकिन उसको बैंक में जाके दिए ही नहीं। जैसे हम एक चेक दिए, हमको एक चेक मिला, हम जमा करने जाना था, हम अपना अकाउंटेंट को बोले कि चेक आया, वो लिख दिया, हम बैंक में जाके जमा ही नहीं किए, तो क्या ये गलती है? हम बोले हाँ, बैंक में जब तक आप चेक जमा ही नहीं कीजिएगा तब तक पैसा कैसे बढ़ेगा बैंक के अंदर? हम बोले हाँ। तो क्या ये एक गलती है? हम बोले हाँ ये एक गलती है। तो इसको बोलते हैं बाबू ईरर, कि ईरर के कारण भी कैशबुक और बैंक पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। इस डिफरेंस को मिटाने को बोलते हैं रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बड़ा सिंपल है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कि सर कैशबुक को देखिए, पासबुक को देखिए, जो जो ट्रांजेक्शन मिल जा रहा है उससे तो दिक्कत नहीं, और जो ट्रांजेक्शन नहीं मिल रहा है उससे आपको दिक्कत होगा, आप उसी ट्रांजेक्शन को लिख करके अपना बैलेंस मैच कराइएगा। हम बोले हाँ। हम बोल रहे हैं डिफरेंस क्यों आ रहा है? 2 कारण से। एक टाइम गैप, कि हाँ सर टाइम का गैप है, उस कारण से भी मार्च का चीज अगर अप्रैल में जमा हुआ है तो मार्च में तो ऑफकोर्स डिफरेंस आ ही जाएगा। हम बोले हाँ। दूसरा ईरर, अगर किसी बात को कैशबुक में रिकॉर्ड किए हैं और पासबुक में नहीं किए हैं तो सर जाहिर सा बात है वो तो गलती है, ऑटोमेटिक ईरर हो चुका है, ठीक करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। जब भी हम कैशबुक बोलेंगे मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, और पासबुक तो हम लोग जानते हैं कि सर पासबुक तो बैंक बनाती है। हम बोले हाँ। तो वही हम लिखे हैं कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है। हम बोले बहुत सिंपल है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि बनाया जाता है डिफरेंस को मिलाने के लिए बैंक पासबुक और कैशबुक के बिटवीन, कि सर कैशबुक और बैंक पासबुक में जो डिफरेंस आ चुके हैं उसको रिकंसाइल कराने को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सिंपल सा बात है। क्या कारण है? हम बोले सर मेनली 2 कारण होते हैं, टाइम गैप, दूसरा ईरर या ओमिशन, कि सर या तो टाइम गैप हो गया है या फिर ईरर या ओमिशन हो गया, कुछ छूट गया या कुछ गलती कर दी, उस कारण से भी डिफरेंस आता है कैशबुक पासबुक में। हम बोले ठीक। फॉर्मेट, बैंक रिकंसिलेशन का हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, क्या सिर्फ यही फॉर्मेट है? हम बोले नहीं बाबू, फॉर्मेट बहुत तरह का हो सकता है, स्टेटमेंट है, बहुत सारा फॉर्मेट हो सकता है। हम प्लस माइनस का 2 कॉलम बनाए, कई लोग 1 कॉलम बनाता है, वो प्लस माइनस करके लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आंसर सही है, लेकिन हम किस तरह बना रहे हैं? हम वैसे ही बना रहे हैं जैसे आप क्लास 11 में पढ़े। हम बोले कि 11 वाला बात पढ़ा हुआ है तो बेहतर है कि उस तरह से ही पढ़ाए। क्या इससे कोई फर्क पड़ जाएगा कि सर हम 1 कॉलम के जगह 2 कॉलम बना रहे हैं? हम बोले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आता है। याद रखिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि सर एकदम डिक्टो इंस्टीट्यूट की तरह छापेंगे तभी इंस्टीट्यूट नंबर देगा, अदरवाइज वो नंबर नहीं देगा, तो आप गलत फहमी के शिकार हैं। याद रखिएगा, जो चेक करने वाला, कॉपी जो चेक करता है वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कोई रटा रटाया चीज नहीं पढ़ के आया है, उसको पता होता है कि अकाउंट्स में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बनाने के और सभी लोग सब सही बनाते हैं। तो आप कभी भी कॉपी पेस्ट करने जाइएगा तो अकाउंट्स आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आप रट्टा मार रहे हैं कि हाँ ऐसे ही करना है। याद रखिएगा, रट्टेबाज लोग ऐसे भी सीए में टिक नहीं पाते हैं। अगर आप रट रट के पढ़ते नहीं नहीं एकदम ऐसे ही कॉपी करेंगे फिर तो आप भूल जाइए, आपको नंबर आने से रह गया, कितना रट लीजिएगा। अकाउंट्स है, उसके बाद लॉ है, और भी कई पेपर है, सब में रटते रहिएगा बैठ के क्या?
रट्टेबाज थोड़ी बना रहा है सीए इंस्टीट्यूट आपको, इसलिए रटने का फॉर्मेट से बाहर आइए, क्रिएटिव बनिए लाइफ में। अगर आप रट्टा मार मार के पढ़ेंगे कि नहीं सर जैसे इंस्टीट्यूट कॉपी करता है हम भी एकदम वैसे ही साटेंगे तभी नंबर आएगा, तो गलत फहमी में आप, तब तो आप पास कर जाए वही बहुत बड़ी चीज आपके लिए। कैसे इतना चीज कॉपी कर पाइएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए कि हाँ सर कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट जानेंगे तो ऑटोमेटिक, हम बोल रहे हैं सर हम दो कॉलम बना के बनाएंगे तो क्या गलत है, हम बोले बिल्कुल नहीं। क्या गलत है, इंस्टीट्यूट इसी को एक कॉलम बनाते थे क्या इंस्टीट्यूट गलत है, हम बोले नहीं, हम लोग दोनों ही सही है, दोनों ही को नंबर दिया जाएगा, गलत कोई नहीं है अपने जगह पर। हम इसको क्यों फॉलो करते, क्योंकि 11 में आप ऐसे ही पढ़ के आए कि हाँ सर दो कॉलम रहता था एक प्लस का एक माइनस का। फिर भी आप लिबर्टी में है कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम सिंगल कॉलम से बना लेंगे, वेरी गुड आप बना लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है फिर तो। तो ये हुआ हम लोग का फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या स्टार्टिंग में आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। पैसा प्लस हो सकता है, पैसा माइनस हो सकता है। हम लोग बात करेंगे कि सर कैसे मालूम चलेगा पैसा प्लस है कि माइनस है, हम बोले हाँ तो बैलेंस स्टार्टिंग में हमको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्वेश्चन बताएगा या फिर वो बताएगा बैलेंस एज पर पासबुक। पैसा प्लस में कि माइनस में, हम लोग बोले बाबू नाम लिखे हैं आपको याद हो जाएगा कि कौन सा नाम से प्लस होता है कौन सा नाम से माइनस होता है। उसके बाद डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, या तो प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर स्टार्टिंग करेंगे कैशबुक से तो लास्ट में आंसर पासबुक आएगा, और अगर स्टार्टिंग करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक ही आएगा। बात समझते मेरा, हम क्या बोले, हम बोले सर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताएगा बैलेंस किसका है, कैश बुक का है या पासबुक का, हम बोले हाँ प्लस में है या माइनस में है वो भी वो बताएगा। बैलेंस एच पर अगर कैशबुक देगा तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो बैलेंस एच पर पासबुक होगा, और अगर स्टार्टिंग में बैलेंस एच पर पासबुक बताएगा क्वेश्चन तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस एच पर कैशबुक आएगा। बात समझते हैं मेरा। अब बात आता है कि सर कैसे पता चलेगा कि बैलेंस एच पर कैशबुक या पासबुक दिया हुआ है वो पैसा प्लस का है या माइनस का है, हम बोले हाँ सुनना, सुनो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, कैशबुक और पासबुक, पहले कैशबुक का बात करते हैं। हम बोले सर कैशबुक में जो बैंक कॉलम है वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, हम बोले बिल्कुल। तो डेबिट बैलेंस एच पर कैशबुक दिया रहे तो सर पैसा प्लस है, या बैलेंस एच पर कैशबुक दिया रहे तो भी पैसा प्लस है, या फेवरेबल बैलेंस एच पर कैशबुक दिया रहे प्लस है। समझ रहे बात, क्वेश्चन में लिखा है डेबिट बैलेंस एच पर कैशबुक, तो हम बोले सर कैशबुक में डेबिट बैलेंस है मतलब प्लस है, क्योंकि कैशबुक का डेबिट है मतलब पैसा है आपके पास, आपके पास पैसा है तो मतलब आपके पास एसेट्स है, तो डेबिट बैलेंस एच पर कैशबुक प्लस, फेवरेबल बैलेंस लिखा रहे कैशबुक प्लस, लिखा रहे सर सिर्फ बैलेंस एच पर कैशबुक, ना डेबिट ना फेवरेबल, तो क्या है, हम बोले प्लस, वो भी प्लस है। माइनस में कब हुआ कैशबुक, बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, हम बोले ओवरड्राफ्ट लिखा रहे, अगर लिखा रहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एच पर कैशबुक तो सर जो पैसा दिया हुआ है कैशबुक का वो माइनस है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो क्या है नेगेटिव है, तो माइनस में लिखना। अगर लिखा रहे अनफेवरेबल बैलेंस एच पर कैशबुक तो सर ये भी नेगेटिव है, माइनस में लिखना। और अगर लिखा रहे क्रेडिट बैलेंस एच पर कैशबुक, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस, हम बोले सर ये भी माइनस है, लाइबिलिटी हो गया मेरे लिए, बोले हाँ। तो हम लोग बोल रहे सर कैशबुक का प्लस का नाम, प्लस पे अमाउंट है किस किस नाम से बोल सकता है वो, हम बोले डेबिट बैलेंस एच पर कैशबुक, बैलेंस एच पर कैशबुक, फेवरेबल बैलेंस एच पर कैशबुक। कैशबुक का पैसा माइनस में है किस किस नाम से हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस एच पर कैशबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एच पर कैशबुक और अनफेवरेबल बैलेंस एच पर कैशबुक। ये जो कैशबुक हम बोल रहे हैं उसमें कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, हम बोले हाँ। क्या पासबुक में भी नाम होंगे, हम बोले हाँ। पासबुक कौन बनाता है बाबू, बैंक, याद रखिएगा पासबुक हम नहीं बनाते हैं, बिजनेस कैशबुक बनाती है। बैंक क्या बनाता है, बैंक बनाता है पासबुक, कि हाँ भाई बैंक बनाएगा पासबुक। जानते हैं बैंक के लिए कस्टमर लायबिलिटी है, मतलब सर
हम बोल रहे बाबू जब हम बैंक में जमा करते हैं तो हम बोलते हैं मेरे लिए बैंक एसेट्स है, इसलिए डेबिट साइड लिखते हैं। लेकिन बैंक जब हमसे पैसा लेता है तो वो हमको लायबिलिटी मानता है, क्योंकि बैंक हमसे अगर पैसा ले लिया है तो बाद में लौटाएगा भी हमको। तो हम बोल रहे हैं कि सर पासबुक जो होता है बैंक बनाता है, और बैंक के लिए कस्टमर क्या है, लायबिलिटी, कि सर उससे पैसा लेके बैठे हुए। तो हम बोल रहे हैं बैंक पासबुक जब जमा करिएगा, कभी आप पासबुक देखने का मौका मिले तो अपना बैंक का पासबुक देखिएगा कि जब पैसा जमा करने जाइएगा तो बैंक आपको क्रेडिट साइड में दिखाता है। क्यों? क्योंकि बैंक आपको लायबिलिटी मांगता है कि भाई ये पैसा दे दिया है हमको, बाद में मांगेगा तो मेरे लिए लायबिलिटी। तो बैंक के लिए आप क्या बन जाते हैं जमा करने के समय, लायबिलिटी, और जब पैसा निकाल लेते हैं तो फिर वो डेबिट कर देता है, लायबिलिटी खत्म। तो हम बोल रहे हैं पासबुक में प्लस है कैसे कैसे मालूम चलेगा। हम बोल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो मेरे हिसाब से प्लस है पैसा, कि हाँ सर क्रेडिट हो रहा है, मतलब हम उसका लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि मेरा पैसा बैंक के अंदर है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पैसा प्लस या माइनस। हम बोले प्लस। बैलेंस एज पर पासबुक, सर पैसा प्लस में है। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, पैसा प्लस में है। सर क्या पासबुक में माइनस होगा? हम बोले हाँ, डेबिट साइड लिखा रहेगा तो माइनस रिप्रेजेंट करता है वो। अगर लिखा रहे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पैसा माइनस में। अगर लिखा रहे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, पैसा माइनस में। और अगर लिखा रहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, पैसा माइनस। तो आई होप अब आप समझ गए कि सर जब हम लोग यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक तो पैसा प्लस में है या माइनस में है, उसका नाम भी लिख दिए कि देखो दोस्त कैशबुक में प्लस के नाम क्या क्या हो सकता है, कि पैसा प्लस में कैसे पहचानेंगे। हम बोले अगर लिखा रहे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो सर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पैसा प्लस में, या फिर बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक। ये तीनों नाम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सर कैशबुक का पैसा प्लस में। क्या कैशबुक का पैसा माइनस में हो सकता है? हम बोले बिल्कुल, जो बैंक कॉलम है वो माइनस में हो सकता है। किस किस नाम से? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक। अगर इन तीनों नाम से होता है तो हम बोल रहे हैं सर आपका कैशबुक माइनस में, तो आप कहां लिखिएगा पैसा? माइनस में। बोले ठीक, क्या पासबुक प्लस होगा? हम बोले हाँ। किन किन नामों से पहचान लेंगे कि पासबुक प्लस है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। इन नामों से हो तो आपका पासबुक किस में है? प्लस में। फिर माइनस में हो सकता है? हम बोले हाँ। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, अगर इन नामों से है तो पासबुक आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो माइनस अमाउंट दिखा रहा है। तो पैसा कहां लिखिएगा? माइनस में। बात समझ में आता है? तो स्टार्टिंग का लाइन हम लोग डिस्कस कर लिए कि सर स्टार्टिंग का लाइन कैशबुक दे या पासबुक दे, उसका पैसा प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, अब हम लोग पकड़ लेंगे। हम बोले हाँ, बाकी प्लस माइनस पे हम लोग अब बात करेंगे आराम से। पहले यहां तक लिखिए, आइए एक एग्जाम्पल लिखे छोटा सा, इससे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे कि कैसे बीआरएस को हम बनाते हैं। हो सकता है कि आपको बीआरएस पहले से ऑलरेडी किसी और तरीके से आता हो, इलेवेंथ में आपको कुछ और तरीके से पढ़ाया गया हो, या हो सकता है कि आप जहां पे पढ़ते होंगे वहां पे कुछ और तरीके से वो सिखाया होगा। हम उस पर कोई डाउट नहीं कर रहे क्योंकि अकाउंट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बाबू। हम जिस तरीके से बना रहे हैं वो तरीका हम अपने आप में रियलाइज किए कि सर ये तरीका ज्यादा सिंपल है, ऐसा हमको लगता है। अगर आपको ये तरीका नहीं अच्छा लगे तो जिस तरीके से आपको आता है वेरी गुड है, आप उससे बनाइए, और मैटर ये होना चाहिए कि सर हमें सवाल बन जाए एग्जाम के अंदर। हम बोले बिल्कुल। लेकिन अगर आप मान लो बीआरएस में पहले से एक तरीका सीखे हैं लेकिन आप क्लैरिटी ही नहीं है, आप फंस जाते हैं सवालों के साथ, रटा रटाया जो है वो तो ठीक आपसे बनता है, कुछ नया पूछ दे तो आप फंस जाते हैं, तो फिर तो वो तरीका उतना इफेक्टिव नहीं होगा आपके लिए। तो बेहतर है फिर आप मेरा तरीका अपनाइए और देखिए क्या इस तरह से भी बना करके चीजें ठीक बन जाती है। हम बोले हाँ। हम जो तरीका सिखाएंगे उसमें कोई भी बात रटने वाला नहीं है, मतलब हम लोगों को याद नहीं करा रहे कि ये होगा तो प्लस कर देंगे, ये होगा तो माइनस कर देंगे। हम बोल रहे ऐसा कुछ होगा ही नहीं मेरे साथ,
कि हम आपको याद करवाएं कि ये होगा तो प्लस कर देना, ये होगा तो माइनस कर देना, इससे स्टार्ट होगा तो इसका उल्टा कर देना, ऐसा हम कुछ नहीं बोलने वाले। हम बोल रहे हैं सिंपली क्वेश्चन को पढ़िए और कैशबुक और पासबुक, अपने आप को कैशबुक की जगह रखिए और बैंक का पासबुक को भी देखिए, दोनों साथ में रहेगा। अगर डिफरेंस दिखेगा तो सर उस डिफरेंस को एलिमिनेट किया जाएगा, बस इतना ही बात है। सुनिएगा सवाल, क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ 31 मार्च 2020। कब का बनाना है, 31 मार्च 2020। तो मतलब 31 मार्च 2020 में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को ठीक करना होगा। हम बोले हाँ। सबसे पहले क्या लिखा है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 10,000। कैशबुक का डेबिट बैलेंस प्लस है या माइनस, सर प्लस है, अभी तो लिखवाए थे। प्लस कैशबुक में प्लस कब कब होता है, सर तीन नाम आप बोले थे, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक प्लस है, हम बोले हाँ। दूसरा फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैशबुक प्लस है, बैलेंस एज पर कैशबुक प्लस है, तो सर ये जो दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 10,000 वो प्लस में लिखा जाएगा। तो स्टार्टिंग बता दिया किससे, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक लिख लो, कितना प्लस में लिख दिए 10,000। हम बोले हाँ, कुछ आइटम प्लस होंगे कुछ आइटम माइनस होंगे, यही तो होता है और क्या होता है। हम बोले हाँ। अब मेरे बात सुनना दोस्त, हम एक वर्किंग करते हैं, हम कुछ भी आपको नहीं बोलेंगे कि मुंह पे कर लो ऐसे, तराजू ऊपर गया तराजू नीचे आया, हमको तराजू नहीं समझ में आया, इसीलिए हम कुछ अपना ही बना लिए। हम बोल रहे दोस्त बिजनेस क्या बनाएगा, सर कैशबुक ऑफ बैंक कॉलम। हम बोले ठीक, ये कैशबुक है किसका, बिजनेस का, कौन से कॉलम का, बैंक कॉलम का सर। ये पासबुक है किसका, सर बैंक बनाती है पासबुक, ये बैंक का है। हम बोले ठीक, स्टार्टिंग में कितना रुपया 10,000, तो हम लोग मान रहे कि सर स्टार्टिंग का बैलेंस आपका और इसका एक है, दोनों का बैलेंस सेम है, कोई डिफरेंस अभी नहीं है। हम बोले ठीक, पहला लाइन जो था, हम बोले सर इतना पैसा कैशबुक में है, तो हम बोल रहे सर बैंक में भी फिर होगा ही। बोले ठीक, दोनों का सेम सेम लिख ली कि मेरे पास भी 10 है उसके पास भी 10 है, कोई डिफरेंस नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, चेक इशूड टू राम, राम को चेक इशू किए 30 मार्च को कितने रुपए का, 1,000, बट प्रेजेंटेड ऑन 2 अप्रैल 2020, लेकिन राम उस चेक से पैसा निकालने 2 अप्रैल को गया, हम लोग को बनाना है 31 मार्च, अप्रैल के बारे में सोचेंगे। बोले ठीक, सुनना हम कौन है, बिजनेस, हम अपना अकाउंटेंट को बोल रहे हैं, अकाउंटेंट अकाउंटेंट 2,000 रुपया का चेक राम को दे दे रहे हैं, वो जाके निकाल लेगा, तो बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आप अकाउंटेंट है मेरा, हम आपको बोल रहे हैं कि हम 2,000 का चेक राम को दे रहे हैं, आप क्या कीजिएगा कैशबुक में, सर घटा देंगे, 10,000 रुपया था, अगर हम 2,000 का चेक दे रहे हैं राम को तो अकाउंटेंट तो यही मानेगा ना कि वो जाके निकाल लेगा पैसा, तो बीइंग एन अकाउंटेंट आप क्या किए कैशबुक में, क्योंकि आप तो कैशबुक बनाते, आप जो कर सकते हो कैसे बुक में ना कर सकते हो, पासबुक तो बैंक बनाता है, बैंक समझेगा उसके बारे में। हम बोले सर जो अकाउंटेंट है मेरा वो बोला अच्छा आप राम को 2,000 का चेक इश्यू कर दिए हैं मतलब वो पैसा निकाल लेगा, तो सर वो घटा दिया, और मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है मालिक मालिक आपका अकाउंट बैंक के अकाउंट में 8,000 बचा। बोले ठीक, राम उसको कब प्रेजेंट किया है पेमेंट के लिए, सर 2 अप्रैल को, और हम बना कब कर रहे हैं 31 मार्च, बताओ चार्टेड अकाउंटेंट 31 मार्च तक तो वो गया ही नहीं बैंक के पास, क्या बैंक से पैसा निकला होगा मेरा। हम बोले नहीं सर बैंक से कुछ नहीं निकला होगा, तो बैंक कितना बोल रहा होगा 10,000। हम बस इस लाइन को पढ़े दोस्त और हम बोल रहे हैं कि कैशबुक और पासबुक में बताओ क्या क्या इफेक्ट पड़ा है इस लाइन से, 31 मार्च तक बताना उसके बाद नहीं। हम बोले ठीक,
राम को चेक दिए तो सर आप कोई भी काम करिएगा तो अपना अकाउंटेंट को बताइएगा ना कि हाँ भाई बिजनेस का पैसा है, अकाउंटेंट को बताना ही पड़ेगा, तब तो वो एंट्री कर रहा होगा। अकाउंटेंट को बोले कि भाई एक चेक दिए हैं राम को पेमेंट के लिए कि भाई जाकर 1000 बैंक से निकाल लो, तो मेरा अकाउंटेंट क्या किया होगा, बोला ठीक आप 1000 का चेक कितना सॉरी 1000 का चेक दिए हैं, 1000 का चेक दिए हैं तो सर वो घटा दिया होगा, लेकिन 31 मार्च तक राम गया ही नहीं बैंक, तो क्या बैंक कुछ किया, हम बोले नहीं बैंक कुछ नहीं किया। क्या दोनों में डिफरेंस आ गया, हम बोले हाँ। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है, बिल्कुल ये टाइमिंग का डिफरेंस है, हम 31 मार्च को बना रहे हैं। कैसे ठीक करेंगे, दो तरीका हो सकता है सर ठीक करने का, एक आप इसमें 1000 रुपया जोड़ दीजिए दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपको दोनों को बराबर करना, वही तो रिकंसिलिएशन है कि बराबर करिए। एक तरीका क्या हो सकता है कि सर आप इसमें जोड़ दीजिए तो ये भी 10 ये भी 10 कितना जोड़ दें 1000 और बराबर हो जाएगा, हम बोले हाँ। दूसरा तरीका आप इसमें घटा दीजिए दोनों बराबर हो जाएगा, तो सर दोनों में से कौन तरीका, हम बोले सुनो ध्यान से, हम स्टार्टिंग में क्या लिखे हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो बराबर करने के लिए, यहां बराबर थोड़ी हुआ, अब जो बराबर करना है, बराबर करने के लिए जिस जगह से आप स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस उसी में करते हैं, हम किससे स्टार्ट किए हैं कैश बुक से, तो हम प्लस माइनस किस में करेंगे कैश बुक में। सर अगर हम पासबुक से स्टार्ट करते तो प्लस माइनस पासबुक में, इतना सा बात समझ में आ रहा आपको मेरा। हम बोल रहे हैं कि सर पहले ट्रांजेक्शन को पढ़िए और उसका इफेक्ट देखिए कैशबुक में क्या हुआ और पासबुक में क्या हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में हम 30 मार्च को राम को एक चेक दिए कि जाओ जाके बैंक से पैसा ले लो अपना, तो जब हम राम को चेक दिए तो मेरा अकाउंटेंट बोला अच्छा राम को आप चेक दे रहे हैं आपका बैंक का पैसा घट जाएगा, घटा दिया, क्या कैशबुक में पैसा घटेगा, हम बोले ऑफकोर्स मेरा अकाउंट बोलेगा आप पैसा दिए हैं चेक उसको तो वो तो निकालेगा ही निकालेगा, तो वो घटा दिया, तो मेरा अकाउंट बोला अब आपके बैंक में 9000 रुपया बचा हुआ होगा, क्या वो ठीक बोल रहा, हम बोल रहे हाँ वो ठीक बोल रहा है। लेकिन जिस आदमी को हम चेक दिए वो मार्च में गया ही नहीं, हमको मार्च का रिकंसिलिएशन करना है, मार्च में वो गया नहीं, अगर वो मार्च में बैंक से पैसा निकालने गया ही नहीं मेरे चेक का, तो सर मेरा तो पासबुक में बैंक कुछ नहीं किया होगा। हम जब 31 मार्च को पासबुक प्रिंट कराएंगे तो मेरा पासबुक क्या बोलेगा 10000, क्या दोनों में डिफरेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, हम बोले हाँ दोनों में डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्या मेरा अकाउंटेंट नालायक है, हम बोले नहीं आपका अकाउंटेंट नालायक नहीं है, जिस आदमी को आप पैसा का चेक दिए थे वो गया ही नहीं वो नालायक है, तो हम बोले सर दोनों में डिफरेंस है रिकनसाइल कराइए। रिकनसाइल का मतलब दोनों को इक्वल कीजिए, इक्वल करने के दो तरीके हो सकते हैं, सर यहां 10 है तो यहां भी 10 कर दीजिए प्लस 1000, हम बोले ठीक। सेकेंड सर यहां 9 है तो यहां भी 9 कर दीजिए माइनस 1000। सवाल उठता है करे क्या, हम बोले बहुत ही सिंपल जवाब है, तुम आंसर का पहला लाइन पढ़ो किससे स्टार्ट हुआ है सर कैश बुक से, तो जो भी इक्वल करने के लिए प्लस या माइनस तुमको करना पड़ेगा वो तुम कैश बुक में करना, क्यों, क्योंकि सर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है सवाल। सिमिलरली अगर सर यहां मान लीजिए लिखा रहता है पासबुक, तो दोनों का डिफरेंस दूर करने के लिए चाहे प्लस करना पड़े चाहे माइनस करना पड़े हम किस में लिखते हैं पासबुक में। अभी सवाल किसका है सर कैशबुक का, हम एक एग्जांपल पासबुक का भी लेंगे, तो हम बोले सर क्योंकि स्टार्टिंग में आप कैशबुक लिखे हैं तो जो भी डिफरेंस को दूर करने के लिए करना पड़े चाहे प्लस चाहे माइनस आप कहां करेंगे कैशबुक में, हम बोले हां। तो पासबुक है 10 ये है 9 दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस को करना है दूर, और दूर कैसे करेंगे, क्या पासबुक में कुछ कर सकते हैं, हम बोले नहीं कैशबुक से स्टार्ट हुआ है तो कैशबुक में करिए। क्या करें सर प्लस में 1000 10 10 क्या दोनों बराबर हो गया, हम बोले हां। अब सुनना ध्यान से, हर बार हर ट्रांजेक्शन के बाद जब बराबर कर लेंगे तो जिस जगह पे इक्वल हुआ है, ये देखिए इक्वल, जिस जगह पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर, सर ये 10 ये 10 तो इसके ऊपर में क्या है 1000, किसमें है प्लस में, जिस जगह पे इक्वल होगा उसके ऊपर वाला आंसर, बात समझ रहे हैं,
सर ये 1000 प्लस में है तो प्लस में लिखो, क्या लिखोगे? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसमें है? प्लस में सर, प्लस में लिखो, इसीलिए तो एंड में लिखे। सर अगर हमको ये लाइन लिखने ना आए तो क्वेश्चन का लाइन उठाना बाबू और देख के लिख देना, बात खत्म। यहां तक का बात क्लियर कट है कि सर आप कैसे बनाते हैं? आप कैशबुक और पासबुक दोनों को सामने रख लेते हैं और पहला बैलेंस उस दोनों को लिख देते हैं। हम बोले हाँ। उसके बाद आप सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को पढ़ करके आप ये देखते हैं कि भाई कैशबुक में क्या इफेक्ट पड़ा होगा, पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ा होगा। इफेक्ट दे देने के बाद जब आप सवाल का इफेक्ट दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक एक डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। डिफरेंस को पूरा करना पड़ेगा, डिफरेंस को खत्म करना पड़ेगा। जैसे यहां पे डिफरेंस आया, यहां 9 यहां 10, एक डिफरेंस आ गया 1000 रुपया। तो हम बोले सर इस 1000 रुपया का डिफरेंस को आप प्लस किए हैं कैशबुक में। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हुआ था कैशबुक में। जिससे स्टार्ट होगा डिफरेंस को मैच कराने के लिए उसी में प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मेरा कैशबुक स्टार्ट है तो हम बोले सर जो 1000 का डिफरेंस दिख रहा है वो आपको कैशबुक में ही चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके कुछ भी करके आपको पासबुक के बराबर करना होगा। तो हम बोले ठीक, पासबुक में 10 है, कैशबुक में 9 है, दोनों को बराबर करने के लिए कैश में 1000 रुपया जोड़ दिए, कितना बन गया? 10 10। हम बोले हाँ इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट आप किए हैं वही आंसर में चला जाता है। सर 1000 रुपया का एडजस्टमेंट है, तो हम बोले ओके 1000 का एडजस्टमेंट है तो सर ये प्लस है तो एड में लिख दिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1000 रुपये। बात समझते हैं मेरा, पहले इतना लिखिए। नेक्स्ट अगला नंबर पढ़ रहे, थर्ड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 29th मार्च 2020 फॉर ₹10,000। बैंक में 29 तारीख को हम जाके एक चेक जमा किए। हम कौन है? बिजनेसमैन। हम अपने अकाउंटेंट को बोल रहे हैं भाई एक चेक जमा करने जा रहे हैं, बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब हम अकाउंटेंट को ये बात बोलेंगे कि हम जा रहे हैं बैंक में 10,000 का एक चेक जमा करने, वो क्या किया होगा? सर कैशबुक में बढ़ा दिया होगा पैसा, और क्या करेगा वो? वो बोलेगा ओ 10,000 आप जमा करने जा रहे हैं, पहले से 10 और 10 आपके खाते में कितना हो जाएगा? 20। बोले ठीक, ये तो वो किया होगा, ये करेक्ट है। आगे वेयर क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 1/4/2020, बैंक उस पैसे को कब जमा लिया? 1 अप्रैल 2020 को। सर ऐसे कैसे हो सकता है बाबू? चेक जब आप उसको देते हैं तो जिस आदमी का चेक रहता है उसको क्लियर होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। 29 को दिए, 1 को क्लियर हो गया, तो बैंक में पैसा कब आया? 1 तारीख को, जबकि हम बना कब कर रहे हैं? सर 31 मार्च को। तो एक बात बताओ, 29 तारीख को हम तो लिख लिए कि सर 10,000 जोड़ लिए, मेरा कैशबुक तो बढ़ गया और मेरा अकाउंट ठीक भी किया है, लेकिन 31 मार्च तक वो चेक जमा ही नहीं हुआ है बैंक में। बैंक में पैसा कब आया है? 1 अप्रैल को। तो हम बोले सर 31 मार्च को जब जाके हम प्रिंट कराएंगे पासबुक तो क्या पासबुक में 10,000 आया होगा? हम बोले नहीं, वो तो 1 तारीख को आएगा। तो 31 तारीख को तो सर पासबुक में कुछ नहीं हुआ होगा, पासबुक में एक भी पैसा नहीं आया होगा, तो सर पासबुक कितना दिखा रहा है? 10,000। हम बोले हाँ। क्या दोनों में डिफरेंस है फिर से? हम बोले हाँ सर, दोनों में फिर से डिफरेंस है। क्या इस डिफरेंस को, यहां पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, क्या इसको पूरा करना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए? हम बोले सर इस डिफरेंस को खत्म करना पड़ेगा, दोनों बराबर होना चाहिए तभी तो रिकंसाइल होगा। कैसे करें? हम बोले सर आप कैशबुक से स्टार्ट किए सवाल, सवाल कहां से स्टार्ट हुआ है? कैशबुक से। तो डिफरेंस को खत्म करने के लिए चाहे प्लस करना पड़े चाहे माइनस करना पड़े वो कहां पे होगा? कैशबुक में। हम बोले ठीक, पासबुक में है 10, कैशबुक में है 20, बोलो कैसे खत्म करें? सर यहां माइनस कीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। लो हो गया इक्वल। जिस जगह इक्वल होता है क्या उसके ऊपर वाला आंसर होता है? हम बोले हाँ, जिस जगह इक्वल होता है उसके ऊपर वाला ही आंसर होता है। ऊपर में किसमें है? माइनस में, तो माइनस में लिखना लेस।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, माइनस में था बाबू इसे लेस में लिख रहे हैं, और पैसा कहां लिखेंगे, माइनस में लिख दिया। यहां तक लिखिए, आइए अब ये वाला बैलेंस हम इधर लिख दिए, जगह नहीं है मेरे पास, हम इधर लिख दिए कि सर 10-10 का है। दो बात खत्म, तीसरा बात पढ़ते हैं कि सर पॉइंट नंबर 2 खत्म, पॉइंट नंबर 3 खत्म, और दोनों सिंपल है। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200। बैंक हमको 200 रुपए का इंटरेस्ट दिया, क्या बैंक आपको कुछ देता है या कुछ आपके अकाउंट से काट लेता है तो क्या आपको पहले वो बताता है कि पैसा देंगे या काटेंगे? हम बोले नहीं, बैंक दे देता है आपको पता नहीं चलेगा, या बैंक काट लेता है। आप भी देखना कि सर कभी कभी वो बैंक वाला हमको इंटरेस्ट देता है 6 महीना में, थोड़ी आपको पूछ के देगा कि इंटरेस्ट दे कि नहीं दे, वो दे देगा सीधा। वो तो आपको बाद में पता चलेगा जब आप पासबुक अपडेट कराने जाइएगा। बात समझते मेरा? तो बैंक हमको इंटरेस्ट दिया 200, बैंक दिया तो बैंक क्या किया होगा, मेरा अकाउंट में पैसा जमा कर दिया होगा कि लो भाई तुम्हारा 200 का इंटरेस्ट बनता है, तो सर मेरा पासबुक में पैसा बढ़ गया होगा, क्या इस बारे में हमको कुछ भी पता होगा? हम बोले नहीं, हमको कैसे पता रहेगा ये बात, बैंक थोड़ी ना बता के देता है कुछ भी, ना वो देता है बता के ना वो लेता है बता के, बस ले ही लेता है और दे ही देता है। हम बोले हाँ, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया है दोस्त? हम बोले हाँ। इस डिफरेंस को कैसे पूरा करेंगे, क्या पासबुक में कुछ कर सकते हैं? हमारे सर कैशबुक से शुरू है सवाल, पासबुक में कुछ नहीं कर सकते, जो करना है कैशबुक में कीजिए। बताओ क्या करें कि कैशबुक और पासबुक दोनों बराबर हो जाए? सर आप कैशबुक में 200 रुपए जोड़ दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। लो हो गया इक्वल, यहां पे डिफरेंस जनरेट हुआ, यहां पे इक्वल हो गया। और हम लोग क्या सीखे, जहां पे इक्वल होता है उसके ऊपर वाला आंसर, सर इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला 200 रुपया प्लस में, तो हम बोले हाँ 200 रुपया प्लस में, तो कहां लिखेंगे? सर प्लस में लिखिए, ऐड में। अगला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितना रुपया? सर 200 रुपया प्लस में, तो प्लस में लिखे हैं 200। बोले ठीक। अगला पॉइंट, फिफ्थ नंबर, वन कस्टमर डिपॉजिटेड इन आवर बैंक 1000। एक कस्टमर है जो मेरे बैंक में 1000 रुपया डाल दिया विदाउट माई इंफॉर्मेशन, और हमको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरा किसी कोई कस्टमर है जिससे पैसा बाकी था, वो 1000 रुपया जाके सीधा मेरे अकाउंट में डाल दिया, और इस बारे में वो हमको कुछ नहीं बताया। तो हम बोले सर अगर वो आपके अकाउंट में अगर डाला है तो आपका तो बैंक में पैसा जमा हो गया होगा। हम बोले हाँ, तो बैंक तो बढ़ गया होगा। हम बोले बिल्कुल, लेकिन वो हमको नहीं बताया, तो क्या मेरा अकाउंटेंट जो कैशबुक बनाता है वो कुछ भी किया होगा इस बारे में? हम बोले नहीं सर, पता ही नहीं तो क्या करेगा वो, तो दोनों कुछ नहीं किया वो तो। क्या दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया? हम बोले हाँ। क्या इस डिफरेंस को खत्म करना पड़ेगा? हम बोले बिल्कुल। कैसे करोगे? सर पासबुक में तो कुछ कर नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि सर सवाल कैशबुक से स्टार्ट हुआ है, जिससे स्टार्ट होता है उसी में डिफरेंस को दूर करना होता है। आओ दूर करें। सर यहां 11200 है, यहां 10200 है, ऐसा क्या करें कि कैशबुक और पासबुक दोनों इक्वल हो जाए? सर 1000 रुपया कैशबुक में जोड़ दीजिए, पासबुक में कुछ कर नहीं सकते। हम बोले हाँ। क्या ये इक्वल हो गया? हम बोले हाँ। तो जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर, क्या ये सब लिखना होता है इक्वल हो गया? नहीं बाबू, समझा रहे इसीलिए। सर जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला 1000 रुपया प्लस है, तो प्लस में लिखिए। हम बोले आओ लिखे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए इतना ही लिख के छोड़ रहे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर कितना रुपया? 1000 रुपया। क्या पॉइंट नंबर 5 भी खत्म? हम बोले हाँ सर, एकदम सिंपल तरीका है। पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्ज 100 रुपया, बैंक आपसे 100 रुपया चार्ज काटा, क्या बैंक आपसे चार्ज काटेगा तो पूछ के काटेगा, आपको बताएगा पहले वो कि बैंक का चार्ज काट रहे हैं? हम बोले नहीं सर, वो काट लेता है
बाद में मालूम चलता है कब, जब हम बैंक जाके पासबुक को अपडेट करवा देता मालूम था ओ पैसा कट गया। तो बैंक आपसे 100 रुपया काटा, क्या हुआ होगा? सर बैंक से पैसा घट गया होगा। बैंक अगर चार्ज काट लिया है तो पैसा घट गया, तो बैंक में हो गया 11,100। क्या इस बारे में कुछ पता होगा हमको बिजनेस को? हम बोले नहीं, तो मेरा कैशियर कुछ नहीं किया होगा। 11,200 दोनों के बीच में क्या आ गया है डिफरेंस? कि सर दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक करिए। हम बोले आओ ठीक करें। कैसे ठीक करोगे? सर 100 रुपया डिफरेंस है, ऐसा क्या करें कि कैशबुक और पासबुक दोनों इक्वल हो जाए? सर कैशबुक में घटाइए, क्योंकि पासबुक में आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई क्यों नहीं कर सकते? सर आप अभी अभी बताए थे कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग किससे होता है, जैसे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग किससे है? कैशबुक से। तो अगर कैशबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैशबुक और पासबुक को इक्वल करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट करना पड़े प्लस या माइनस करके, वो किसमें होगा? कैशबुक में ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग कैशबुक है। तो सर माइनस कर दीजिए, क्या इक्वल हो गया? हम बोले हाँ इक्वल हो गया। क्या सीखे हैं? सर जिस जगह इक्वल होगा उसके ऊपर वाला आंसर, सर इक्वल के ऊपर माइनस में 100 रुपया, तो सर माइनस में 100 रुपया है तो माइनस में लिखिए। क्या लिखे? बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना रुपया? 100 रुपया, खत्म। अब क्या करेंगे? बस अब जोड़ेंगे। आओ जोड़े, माइनस वाला जोड़े 10,100, प्लस वाला जोड़िए 10,000, 11,000, 12,200। कौन बड़ा है, प्लस या माइनस? सर प्लस। कितना बड़ा है? 2,100 रुपया। क्या किए? प्लस माइनस को बाबू जोड़ लिया, और क्या किए? दोनों में डिफरेंस कितने का है? बोले 2,100 रुपया। जो डिफरेंस है वो प्लस में अधिक है या माइनस में? सर प्लस में, प्लस वाला बड़ा है, मतलब प्लस में पैसा बच गया। कितना बच गया? 2,100। हम बोले थे अगर सवाल कैशबुक से स्टार्ट होगा तो खत्म होगा पासबुक से, तो सर यहां पासबुक आएगा। अब बात उठता है सर पासबुक का नाम क्या लिखे? हम बोले देखो प्लस में आया है 2,100। क्या पासबुक का प्लस में 3 नाम होता है? हम बोले हाँ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एच पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एच पर पासबुक। इन तीनों नाम में से जो तुमको नाम अच्छा लगे यहां पे लिख दो, जैसे हम लिख रहे हैं क्रेडिट बैलेंस एच पर पासबुक। आंसर 2,100 रुपया। कोई दिक्कत यहां समझने में? सर अगर यहां फेवरेबल लिख देते सही है, बैलेंस लिख देते सही है, तो प्लस में पैसा आया। कैशबुक से स्टार्ट करेंगे, खत्म किस पे होगा? पासबुक पे। तो सर पासबुक को लिख देंगे कि सर ये पासबुक है, एच पर पासबुक। लेकिन पासबुक का नाम क्या देंगे? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, क्या लिखेंगे? हम बोले वो तुम देखो किसमें आया है पैसा। सर प्लस में आया 2,100 रुपया। तो पासबुक में प्लस का 3 नाम याद है, क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, बैलेंस, हम लिख दिए 1। अगर माइनस में आता तो हम बोलते बाबू पासबुक तो होगा, माइनस में पासबुक का नाम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक लिख देंगे। बात समझते हैं? लिखिए एग्जांपल नंबर 2, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ 31st March 2020। बोले ठीक, BRF बनाना है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 5,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग का बता दिया किससे है, पासबुक से, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। पासबुक प्लस है कि माइनस? सर प्लस का 3 नाम था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एच पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एच पर पासबुक। सर वो 3 नाम में से कोई भी नाम नहीं, माइनस का 3 नाम था,
डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब ये माइनस वाला है, बोले हाँ तो लिखो स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस एच पर पासबुक किसमें माइनस में तो लिख दो माइनस में, कुछ आइटम ऐड होंगे कुछ आइटम लेस होंगे। हम बोले हाँ। हम लोग क्या सीखे थे कि सर जो बैलेंस लिखेंगे फिर उसको कैश बुक और पासबुक में लिख देंगे। हम बोले हाँ। इस बार स्टार्टिंग किससे है? पासबुक से। तो कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस जनरेट होगा उसको इक्वल करने के लिए, कैश बुक और पासबुक को मैच कराने के लिए, अब जो हम लोग को एडजस्टमेंट करना होगा प्लस या माइनस करके, वो किससे करेंगे? पासबुक से। क्यों पासबुक से? स्टार्टिंग पासबुक से। और हम लोग क्या सीखे हैं कि सर जिससे स्टार्टिंग होता है उसी में एडजस्टमेंट करते हैं इक्वल करने के लिए, पहले डिफरेंस क्रिएट करते हैं और डिफरेंस क्रिएट करने के बाद जब इक्वल करने का बात आता है तो इक्वल हमेशा उसी में होता है प्लस या माइनस करके जिससे ये सवाल स्टार्ट हुआ था। जैसे इस क्वेश्चन में पासबुक में स्टार्ट हुआ तो सर बराबर करने के लिए आप प्लस या माइनस कहां पे करेंगे? पासबुक में, कैश बुक में कुछ मत कीजिएगा। हम बोले हाँ। पिछले सवाल में सर आप कैश बुक में करते थे क्योंकि सवाल कैश बुक से स्टार्ट हुआ था। बात समझते हैं मेरा? कुछ भी रखने का बात नहीं है दोस्त। चलिए आइए अब आगे का बात करें। पहला पॉइंट लिख चुके। दूसरा पॉइंट, चेक इशूड टू राम 30 मार्च फॉर ₹1000 बट प्रेजेंटेड ऑन 2 अप्रैल 2020। 1000 रुपया का चेक इशू कर दिए हैं राम को, क्या मेरा अकाउंटेंट कैश बुक से 1000 रुपए घटा दिया होगा? हम बोले हाँ, पक्का घटा दिया होगा। लेकिन वो आदमी बैंक गया ही नहीं मार्च में, तो क्या बैंक कुछ किया होगा? हम बोले नहीं, बैंक तो कुछ नहीं किया होगा। तो मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 4000, मेरा बैंक कितना बोल रहा है 5000, क्या दोनों में डिफरेंस जनरेट हो गया? बोले बिल्कुल। क्या इस डिफरेंस को खत्म करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। कैसे करें? या तो इसमें 1000 जोड़ दें या इसमें 1000 घटा दे। सर सवाल देखो, पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो जो भी करना है पासबुक में करना है ठीक करने के लिए। हम बोले सर घटा दो 1000 रुपया। क्या इक्वल हो गया? सर जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर माइनस में 1000। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। समझ में आ रहा है आप लोग को कि सर सिंपली बनाइए और देखिए कि सर इक्वल करने के बाद उसके जस्ट ऊपर क्या था? बोले माइनस 1000 रुपए, तो माइनस में लिखती है 1000 रुपए। नेक्स्ट पढ़ो। सर चेक जमा किए बैंक में 2000 का, लेकिन बैंक उसका जमा कब लिया है? 1 अप्रैल को, मार्च में तो नहीं लिया। हम 2000 जमा किए तो मेरा अकाउंटेंट क्या किया होगा? सर 2000 रुपया जोड़ दिया होगा। वो बोल रहा होगा तुम्हारे पास 6 है, लेकिन बैंक वो अप्रैल में जमा लिया है तो मार्च तक तो बैंक कितना बोल रहा होगा? 4000 रुपया बोल रहा होगा। क्या दोनों में डिफरेंस आ गया है? हम बोले हाँ। क्या इस डिफरेंस को दूर करना पड़ेगा? हम बोले बिल्कुल करना पड़ेगा दूर। कैसे करोगे? सर पासबुक में करना है क्योंकि पासबुक से सवाल स्टार्ट हुआ है। तो 4000 रुपया है, यहां 6 है, कैसे करें? सर 2000 जोड़ दो, इक्वल हो जाएगा। यहां भी 6, यहां भी 6। जब दोनों इक्वल हुआ है तो उसके ऊपर वाला आंसर सर प्लस में लिखो 2000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कितना रुपया? 2000 प्लस में, हां प्लस में लिखिए। पॉइंट नंबर 3 भी खत्म। अब हम इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है मेरे पास नीचे, तो कैश बुक पासबुक कितना कितना बैलेंस था लास्ट 6000। आगे बढ़ो।
इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 200, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब बैंक आपसे पैसा काटा है, बैंक काटा है तो सर बैंक तो घटा देता है, वो भी बताएगा आपको, तो सर बैंक में घट गया होगा, इस बारे में हमको तो मालूम भी नहीं होगा, हम कुछ नहीं किए होंगे। तो मेरा कैशियर बोल रहा है 6000, बैंक बोल रहा है 5800, दोनों में क्या आ गया डिफरेंस, ठीक कैसे करेंगे सर? प्लस कीजिए। कि सर बैंक जब चार्ज काटता है तो बैंक तो माइनस कर देता है, इस बारे में हमको तो पता ही नहीं होगा, तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। हमारे सर डिफरेंस आ गया, ठीक कैसे करें? 200 रुपया सर जोड़ दीजिए, जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर, तो लिखिए इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कितना? 200। कि सर आप ही सिखाएं, जहां पे इक्वल होता है उसके ऊपर वाला आंसर है। हम बोले बिल्कुल हम ही सिखाएं। पांचवा नंबर पढ़िए, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 500, मोहन से चेक मिला 500 का, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिख भी दिए, मोहन से चेक मिला और हम कैश बुक में लिख दी, तो मोहन से चेक मिला तो सर मेरा अकाउंटेंट बोला अच्छा 500 रुपए का चेक मिला है ना, आप तो बैंक में जमा कर दीजिएगा, आपका बैंक का पैसा बढ़ जाएगा। बट नॉट सेंट टू बैंक, लेकिन बैंक में ये चेक हम भेजे ही नहीं, अगर हम बैंक को चेक दिएंगे ही नहीं तो क्या बैंक में कुछ होगा? बोले कुछ नहीं होगा। तो बैंक कितना बोल रहा है? 6000, दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक कैसे करेंगे? सर यहां प्लस कीजिए, दोनों हो गया कितना? 6500, 6500, जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर 500 रुपया। क्या लिखेंगे? चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और ना समझ में आए तो सर यही वाला लाइन वापस लिख दीजिए पूरा, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। कितना रुपया? सर 500 रुपया, जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर होता है। बोले बिल्कुल। आगे पढ़िए छठा पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 800 क्रेडिटेड बाय द बैंक बिफोर 31st मार्च 2020 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बोल रहा है 800 रुपए का चेक हम बैंक में जमा किए, बैंक 31 मार्च से पहले पहले जमा ले भी लिया, तो सर बैंक अगर जमा ले लिया तो बैंक तो जोड़ दिया होगा। हम बोले हाँ। आगे पढ़ो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में हम रिकॉर्ड ही नहीं की, मतलब मेरा अकाउंटेंट अलायक है, वो चेक हमसे बोल के जा रहे हैं कि बैंक में जा रहे हैं चेक जमा करने, बैंक जमा ले भी लिया और 31 मार्च से पहले मेरे अकाउंट में जमा भी दे दिया कि हाँ 800 रुपया बढ़ गया तुम्हारे अकाउंट में। मेरा अकाउंटेंट नालायक है, वो कुछ नहीं किया, वो भूल गया, ओमिशन हो गया उससे, तो सर जब हम अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं मेरा अकाउंट में कितना पैसा बोलता है 6500, बैंक कितना बोल रहा है 7300, क्या दोनों में डिफरेंस आ गया? हम बोले हाँ। करो ठीक कैसे करोगे? सर पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो बदलाव पासबुक के अंदर होगा, इक्वल करना है, कैसे इक्वल करें? सर माइनस कर दो 800, जिस जगह पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर, सर माइनस में 800, तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या है माइनस? तो माइनस में लिखो पैसा। क्या प्लस माइनस का काम खत्म? जी। अब जोड़ो सर, ये आएगा 6800 और ये आएगा 2700। बताओ कौन सा साइड बड़ा है, प्लस की माइनस? सर माइनस। कितना? सर 4100, तो माइनस में 4100 बच जाएगा। पासबुक से स्टार्ट किए तो सर कैशबुक नाम आएगा लास्ट वाले का, जो 4100 रुपीज माइनस के साइड आप लिखे हैं। क्यों माइनस साइड लिखे हैं? क्योंकि सर माइनस है 68 और 27 है प्लस, तो जाहिर सा बात है माइनस में 4100 रुपीज अधिक है, मतलब माइनस का पैसा बच गया। अब पासबुक से स्टार्ट किए तो नाम क्या आएगा? कैशबुक। और माइनस में लिखना है कैशबुक का नाम, तो बताओ
कैशबुक का माइनस वाला नाम क्या क्या है? सर एक है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक, हम बोले हाँ। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक, हम बोले ठीक। लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। तो हम लोग दोनों देख लिए कि सर कैशबुक से सवाल शुरू हो या पासबुक से सवाल शुरू हो, डिफरेंस बस यही है कि जब कैशबुक से शुरू होता है तो इक्वल करने के लिए जो भी हमको प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो कैशबुक में करते हैं, हम बोले हाँ। और अगर सवाल पासबुक से स्टार्ट होता है तो वही एडजस्टमेंट फिर हम पासबुक में करते हैं, बोले बिल्कुल। सर यहां पे जो लिखते हैं वो कौन सा होता है? जहां पे इक्वल करते हैं उसके ठीक ऊपर में जो एडजस्टमेंट हुआ था, इक्वल वाले के जस्ट ऊपर वाला एडजस्टमेंट ही आंसर है। अगर वो प्लस में है तो एड में लिख करके प्लस में डाल देंगे, अगर वो माइनस में आया होगा तो सर लिस्ट में लिख के माइनस में डाल देंगे, बात ठीक। तीसरा बात हम लोग ये सीखे कि सर अगर कैशबुक से स्टार्ट होगा तो आंसर पासबुक आएगा और पासबुक से स्टार्ट होगा तो आंसर कैशबुक आएगा। अब उस जो कैशबुक या पासबुक आया होगा वो डिपेंड करता है कि सर उसका नाम क्या लिखना है, वो डिपेंड करता है प्लस या माइनस। प्लस में आएगा तो प्लस वाला नाम लिख देना, माइनस में आएगा तो माइनस वाला नाम लिख देना, बात समझ में आता है? लिखिए यहां पर आइए इलुस्ट्रेशन नंबर वन को देखें। लिखा है मिसेस टॉल एंड शॉर्ट सेल्स बाजार न्यू दिल्ली इन अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक दरियागंज न्यू दिल्ली। पासबुक दिया हुआ है, पासबुक में क्या है? विड्रॉवल डिपॉजिट। विड्रॉवल का मतलब डेबिट, डिपॉजिट का मतलब क्रेडिट। कैशबुक और पासबुक का रिलेशन कैसा है? हम बोल रहे हैं अगर कैशबुक में कोई चीज डेबिट होता है तो वही चीज पासबुक में क्रेडिट होता है। अगर हम पैसा जमा करेंगे तो कैशबुक कहां लिखता है? डेबिट में। और पासबुक कहां लिखता है? उसको क्रेडिट में। और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो कैशबुक लिखता है क्रेडिट में और पासबुक लिखता है डेबिट में, बात समझते हैं मेरा? अब आइए आगे चले। लिखा है पासबुक दिया हुआ है जिसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन है 2017 जनवरी का 31 तक, दो तारीख से लेकर के 31 तक। और फिर नीचे में कैशबुक दिया हुआ है बैंक कॉलम का, उसमें भी जो है वो डेबिट और क्रेडिट बताया है। और फिर आपसे बोला है इट विल बी सीन दैट वेयर एज द पासबुक शोन ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,43,000 द कैशबुक शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 2,37,000। कैशबुक का डेबिट बैलेंस कितना है? 2,37,000, जबकि पासबुक कितना का दिखा रहा है? 2,43,000 का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस प्लस कैशबुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? प्लस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस, हम बोले हाँ दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि मेरा कैशबुक दिखा रहा है 2,37,000 और बैंक का पासबुक दिखा रहा है 2,43,000। वी शैल कंपेयर द टू टू एस्टैब्लिश द रीजन फॉर द डिफरेंस, रिकंसाइल द टू स्टेटमेंट कैन बी डन। बोल रहा है आपको रिकंसाइल करना है, बोले चलो करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग किस साल के लिए बना रहे हैं? सर आप बना रहे हैं 2017 जनवरी, तो 31 जनवरी 2017 का बैलेंस सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर बैलेंस एज पर कैशबुक। क्या हम लोग को इससे फर्क पड़ जाएगा कि बैलेंस किसके लिख रहे हैं? बोले नहीं सर, बैलेंस एज पर कैशबुक मतलब प्लस का बैलेंस है। और ऐसे भी लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, तो लिख लो डेबिट बैलेंस। कितने का कैश में? सर प्लस में लिखिए 2,37,000, 2,37,000। हम बोले ठीक। अब कैसे बनाएंगे सर इसको? हम बोले कुछ नहीं, क्रेडिट साइड का जो डिपॉजिट है उसका अमाउंट और कैशबुक का जो डेबिट है उसका अमाउंट दोनों को मैच कराओ। जो जो अमाउंट मैच कर जाएगा उसको छोड़ देंगे और जो अमाउंट मैच नहीं करेगा उसको हम लोग अपना वर्किंग में लिखेंगे। आओ वर्किंग याद ही होगा, क्या लिखेंगे सर? कैशबुक, हम बोले हाँ। और क्या लिखेंगे? पासबुक, ठीक। पहला बैलेंस स्टार्टिंग वाला लिख लो 2,37,000, ये हम लोग लिख लिए, ये मानते हो कि स्टार्टिंग होगा सर? हम बोले ठीक। आगे चलो,
कैसे मिलाना है, फिर याद दिलाएं कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट सेम होता है। तो हम लोग का कैश बुक में जो डेबिट है पासबुक का वो डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट वाला कॉलम है वो क्रेडिट दिखाता है पासबुक का। हम लोग को अपना डेबिट और पासबुक का क्रेडिट मतलब डिपॉजिट मैच कराना है। जो अमाउंट मैच कर जाएगा वो काट देंगे और जो अमाउंट मैच नहीं करेगा वो यहां लिख करके अपने आप डिफरेंस मिलेगा। जैसे ध्यान देना, पासबुक का डिपॉजिट देख रहे हैं ठीक ना, लिखा है 4 लाख, और फिर हम कैशबुक का डेबिट देख रहे हैं और खोज रहे हैं 4 लाख है या नहीं। सर 4 लाख कैशबुक में भी है, तो हम बोल रहे हैं सर दोनों जगह रिकॉर्ड है ठीक है। अगला 35,000 डिपॉजिट में दिखा, सर 35,000 कैशबुक के डेबिट में भी दिखा, तो हम बोले सर दोनों मैच कर गया ठीक है। 76,000 पासबुक के डिपॉजिट में मतलब क्रेडिट में दिखा, सर 76,000 डेबिट में भी दिखा, सर मैच कर गया। आगे बढ़ो सर, उसके बाद 30,000 पासबुक में डिपॉजिट साइड दिख रहा है, 30,000 कैशबुक में भी डेबिट साइड दिख रहा है, तो मैच कर गया। फिर सर 43,000 पासबुक के डिपॉजिट में है और 43,000 कैशबुक में भी है, हम बोले ठीक। उसके बाद सर पासबुक में है 20,000 इंटरेस्ट के नाम से, लेकिन सर वो डेबिट साइड ऑफ कैशबुक में नहीं है, मतलब पासबुक आपको 20,000 रुपया डिपॉजिट दिया तो पासबुक में पैसा बढ़ गया। बोलो हाँ, डिपॉजिट का मतलब क्या सर, मेरे पासबुक में पैसा बढ़ा जमा हो गया, लेकिन वो पैसा मेरा कैशबुक डेबिट साइड में दिखाई नहीं रहा कि सर डेबिट साइड में तो ऐसा कोई 20,000 रुपया है ही नहीं। हम बोले सर कैशबुक में ऐसा कुछ नहीं, दोनों में क्या आ गया बाबू डिफरेंस, ठीक कैसे करेंगे। सर कैशबुक से स्टार्ट किए तो कैशबुक में डिफरेंस दूर होगा, कैसे करें 20,000 जोड़ दीजिए, लो इक्वल हो गया। हम बोले हाँ, क्या सीखे थे सर, जिस जगह इक्वल होगा उसके ऊपर वाला आंसर होगा, बोले ठीक। एंड किस नाम से, वही जो लिखा हुआ है पासबुक में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किस में आया है प्लस में, तो सर प्लस में लिखिए पैसे, बात ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद सर पासबुक का डिपॉजिट में सारा पढ़ लिए, तो हम बोले कैशबुक का भी डेबिट सब पढ़ ही लो। सर 43 का तो मैच कर गया था, उसके बाद कैशबुक में है 1,05,000 डेबिट साइड में जो हमको डिपॉजिट में मिल नहीं रहा है, तो हम बोले सर कैशबुक में डेबिट साइड 1,05,000 है, मतलब पैसा बढ़ा है कितना का 1,05,000, लेकिन ऐसा 1,05,000 हमको पासबुक में नहीं दिख रहा है, तो पासबुक में नहीं पढ़ रहा है कुछ भी, सर दोनों में डिफरेंस आ गया। हम बोले हाँ दोनों में डिफरेंस आ गया, बताओ कैसे ठीक करेंगे। सर कैशबुक से सवाल स्टार्ट हुआ, जो करना है कैशबुक में कीजिए, सर माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वल हो गया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर है, सर माइनस में, तो लिस्ट में लिखो किस नाम से, आओ पढ़ो किस नाम से। सर नाम है मनमोहन एंड कंपनी, मतलब चेक हम जमा किए होंगे, बैंक में भी जमा नहीं हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, माइनस में कितना 1,05,000 कि सर आप डेबिट किए, डेबिट का मतलब क्या कैशबुक बढ़ाना, तो हम बढ़ा दिए, लेकिन क्या ये 1,05,000 पासबुक में कहीं दिख रहा है, हम बोले नहीं सर पासबुक में तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम बोले अगर पासबुक में दिख नहीं रहा है इसका मतलब पासबुक में नहीं हुआ है। हम बोले सर दोनों में डिफरेंस आ गया, डिफरेंस कैसे ठीक करेंगे, सर यहां माइनस कर दीजिए, बोले ठीक। चलो आगे बढ़ो, कैशबुक में एक और है 34,000 डेबिट साइड में, डेबिट साइड का मतलब पैसा बढ़ रहा है, तो सर डेबिट साइड में 34,000 है, डिपॉजिट में ऐसा कोई अमाउंट है ही नहीं, तो डिपॉजिट में कुछ नहीं होगा सर, पासबुक में कुछ नहीं किए, आओ जोड़े।
कैशबुक के हिसाब से 2,91,000 हम बोले हाँ, पासबुक के हिसाब से 2,57,000, दोनों में क्या डिफरेंस है, हम बोले हाँ इक्वल करो, सर माइनस कर दीजिए, इक्वल हो गया। कैशबुक में क्यों की गई सर, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है इसीलिए, ठीक करने के लिए सर 34,000 को माइनस किए हैं, तो हम बोले हाँ लिखो। सेम कहानी, चेक डिपॉजिट किए होंगे, जमा नहीं हुआ है, बट नॉट क्रेडिटेड, कितना रुपया 34। ओके आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखो, क्या डेबिट साइड और डिपॉजिट साइड का सारा आइटम पढ़ लिए, हम बोले हाँ सर सारा आइटम पढ़ लिए, जो जो आइटम डिफरेंट दिखा, जो दोनों जगह नहीं था उसका ट्रीटमेंट भी कर दिए, हम बोले अब पढ़ो कैशबुक का क्रेडिट साइड, वो पेमेंट साइड है, और पासबुक का विड्रॉवल साइड, वो डेबिट साइड है, जो पासबुक में डेबिट होता है वही कैशबुक में क्रेडिट होता है, हम बोले हाँ आओ पढ़े। जैसे जो जो मैच कर जाएगा वो छोड़ देंगे, सर 60,000 दोनों जगह है मैच कर गया, 1,25,000 दोनों जगह है मैच कर गया छोड़ दीजिए, 1,00,000 मैच कर गया छोड़ दीजिए, 50,000 मैच कर गया छोड़ दीजिए, सर 25,000 कहीं नहीं है, पेमेंट किए हैं विड्रॉवल मतलब बैंक से 25 घटा है, वो हमको कैशबुक में कहीं नहीं मिल रहा, तो सर यहां पे है 2,32,000 कैशबुक में कहीं नहीं मिला, मतलब कैशबुक कुछ हुआ ही नहीं, दोनों में डिफरेंस ठीक करो, सर यहां माइनस कर दीजिए, जिस जगह पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर, सर 25,000 माइनस हुआ है, माइनस में लिखिए किस नाम से, प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, लिखो प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कितने का माइनस है 25, तो लिखो 25 माइनस, बोले हाँ। आगे देखो, और कोई आइटम विड्रॉवल में 1,000 रुपया, सर 1,000 रुपया पासबुक का विड्रॉवल में मतलब पासबुक का डेबिट में दिख रहा है, लेकिन वही कैशबुक का क्रेडिट में वो 1,000 नहीं दिख रहा है, तो सर इसका मतलब क्या, 1,000 रुपया पासबुक तो घटाया है लेकिन कैशबुक नहीं घटाया है, कारण कुछ भी हो सकता है कैशबुक को पता ही ना हो ये बात, क्या दोनों में डिफरेंस आ गया, हम बोले हाँ ठीक करो डिफरेंस, आओ ठीक करें डिफरेंस, कैसे ठीक करेंगे सर, यहां पे 1,000 माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा, और जिस जगह इक्वल होगा उसके ऊपर वाला आंसर है, हम बोले हाँ, तो सर 1,000 माइनस में किस नाम से, हम बोले देखिए नाम बताएगा, नाम है बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज काटता है तो बताता थोड़ी है किसी को, वो काट लेता है 1,000 रुपये, क्या विड्रॉवल का सारा बात पढ़ लिए, उसमें जो डिफरेंस मिला कर चुके, हम बोले हाँ, अब क्रेडिट साइड का भी बात पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या डिफरेंस है जो अभी तक नहीं मिला, 73,000 नागपाल वाला, हम बोले हाँ आओ देखें, 73,000 कैशबुक के क्रेडिट में तो है लेकिन क्या वो पासबुक में विड्रॉवल साइड है, हम बोले नहीं सर वो तो नहीं है, तो 73,000 इधर मिटा रहे हैं, लास्ट बैलेंस फिर से लिखेंगे ऊपर में, आखिरी बैलेंस कितने का था 2,31,000, लिख लीजिए, चलो देखा जाए, कैशबुक के क्रेडिट साइड में नागपाल एंड कंपनी है 73, जो हमको पासबुक में विड्रॉवल साइड में नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या कि सर आप पेमेंट किए हैं, कैशबुक का क्रेडिट का मतलब क्या पेमेंट साइड, कैशबुक का डेबिट मतलब रिसीव साइड, क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड, हम 73 का पेमेंट किए हैं, वैसा कोई पैसा हमको विथड्रॉवल में दिख नहीं रहा है, तो हम बोले सर पासबुक में तो कुछ नहीं हुआ होगा, हम बोले ठीक,
1,58,000 और ये बोल रहा है 2,31,000, दोनों में क्या आ गया डिफरेंस, ठीक करो। कैसे ठीक करेंगे? सर प्लस कर दीजिए। सर ये डिफरेंस क्यों आया होगा? क्योंकि बाबू हो सकता है नागपाल को चेक दिए हो, गया ही ना हो। तो, सर जहां इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस, तो प्लस में लिख दो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस आदमी को दिए वो गया ही नहीं। 73। क्या और भी कुछ है ऐसा? हम बोले हाँ सर और भी है। बाबू एंड कंपनी 78,000 बोल रहा है, कैशबुक के क्रेडिट साइड में एक 78,000 का अमाउंट है जो किसी बाबू को दिए हैं। सर अगर हम दिए हैं तो माइनस किए, लेकिन ऐसा कुछ पासबुक में मिल ही नहीं रहा है हमको। तो सर पासबुक में नहीं मिल रहा है, मतलब वो पैसा पासबुक से नहीं निकला है, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, ठीक करो। सर 78 जोड़ दीजिए, जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर है। क्या सेम वही कहानी? हम बोले हां, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। और पेमेंट कितना? 78,000 प्लस में आया है तो प्लस में ही लिखे हैं। चलिए खत्म। और कोई डिफरेंस? हम बोले नहीं सर अब कोई डिफरेंस नहीं है, सारा डिफरेंस मैच करा लिए। चलिए प्लस माइनस किया जाए और देखा जाए कितना होगा प्लस माइनस करके। जोड़ो सर, ये जोड़ के आएगा 4,08,000। प्लस को जोड़ के आया 4,08,000। हम बोले ठीक, माइनस को भी जोड़ो। सर ये आएगा 1,65,000। चलो दोनों के बीच का डिफरेंस देखें। सर प्लस वाला बड़ा है कितना रुपया से? 2,43,000 से। तो प्लस में सर पैसा बच गया 2,43,000। कैशबुक से स्टार्ट किए थे, खत्म किस पे होगा? पासबुक पे। प्लस में आया है, बताओ पासबुक का प्लस में नाम क्या क्या होता है? सर क्रेडिट बैलेंस लिख लीजिए। ये था इलुस्ट्रेशन नंबर 1 का आंसर कि सर जिसमें वो ट्रांजेक्शन नहीं लिखा है, वो कैशबुक और पासबुक दोनों दे दिया आपको, बोला कि लो दोनों को मैच करा लो, जो जो मैच नहीं करेगा वही तो डिफरेंस होगा। हम बोले हम भी तो वही किए, जो जो मैच कर गया वो छोड़ दिए। हम बोले ठीक है वो तो मैच कर गया, और जो मैच नहीं किया हम लोग जिस तरह सीखे हैं उस तरह से ही बनाए। और हम लोग देखे कि हाँ सर इस तरीके में गलती होने का चांसेस जीरो है, आपसे गलती हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन जो ट्रांजेक्शन बोलेगा जब आप उसको लिखेंगे तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर उस डिफरेंस को खत्म करना है, और वो डिपेंड करता है कि सवाल किससे शुरू हुआ। अगर सवाल कैशबुक से शुरू हुआ है तो डिफरेंस कैशबुक में खत्म करेंगे, और अगर सवाल पासबुक से शुरू होगा तो डिफरेंस कहां खत्म करेंगे? पासबुक में। लिखिए पहले इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। हम बोले ठीक, बैलेंस एच पर कैश बुक 2,40,000, जो लिखा है बस लिखते चलो और कुछ नहीं करना। बैलेंस एच पर कैश बुक 2,40,000, क्या ये प्लस है या माइनस? सर प्लस, हम लिखवा के भी रखे हैं बैलेंस एच पर कैश बुक, सवाल कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो सर जो भी चेंजेस करने होंगे इक्वल करने के लिए वो आप कैश बुक में करिएगा। और पैसा लिख दिए। क्या ये पैसा वर्किंग में लिखना पड़ता है दोनों जगह? हम बोले हाँ, 2,40,000 लिख दी। अब बस पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या है। जैसे पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक 1,36,000। बोल रहा है बिजनेस एक चेक दिया कि जाओ जाके पैसा बैंक से ले लेना, वो आदमी बैंक ही नहीं गया। तो अगर हम चेक दिए हैं तो मेरा अकाउंटेंट तो पक्का है कि मेरा पैसा बैंक से घटवा दिया होगा। वो बोला होगा कि भाई आपका तो बैंक से पैसा निकल जाएगा, कितना 1,36,000। तो सर मेरा अकाउंटेंट जो कैश बुक बनाता है, जब उसको हम ये बताएं कि हम एक आदमी को 1,36,000 का चेक दिए हैं, पेमेंट किए हैं उसको कि जाओ जाके पैसा ले लेना, तो मेरा अकाउंटेंट तो झट से पैसा घटा दिया होगा और बोला होगा आपके अकाउंट में बचा है 1,04,000। लेकिन वो आदमी बैंक नहीं गया, तो क्या मेरा बैंक में एक भी रुपए घटा होगा? हम बोले नहीं। दोनों को इक्वल करिए। कैसे करिएगा? सर यहां पे जोड़ दीजिए। कैशबुक में क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि सर सवाल कैशबुक से स्टार्ट हुआ है, जो भी करना है इसी में करिएगा। बराबर करने के लिए ट्रांजेक्शन का पहले इफेक्ट दे दीजिए, वो इसमें कहीं भी होगा। लेकिन जब इक्वल करने का बात आएगा, रिकनसाइल कराने का बात आएगा, तो हम लोग देखेंगे सवाल कहां से स्टार्ट हुआ। सर सवाल कैशबुक से स्टार्ट हुआ, तो रिकनसाइल भी कहां होगा? कैशबुक में। तो सर बराबर करना है, 1,36,000 जोड़िए, बराबर हो जाएगा 2,40,000। और पासबुक भी 2,40,000। जिस जगह इक्वल होता है क्या उसके ऊपर वाला आंसर होता है? हम बोले हां सर। प्लस में 1,36,000, तो लिखो एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो हम दिए लेकिन वो गया ही नहीं। कितने का? 1,36,000। नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़िए। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर 90,000। बोल रहा है बैंक में एक चेक जमा किए। हम जब अपने अकाउंटेंट को बोल रहे कि जा रहे हैं बैंक में चेक जमा करने, तो वो क्या बोला होगा? आप बैंक जा रहे हैं जमा करने पैसा? हम बोले हाँ चेक 90 का, तो आपके बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। और वो ठीक ही बोल रहा है, लेकिन बैंक बोल रहा है अभी तक जमा नहीं हुआ, तो मतलब बैंक में कुछ नहीं हुआ, बैंक जमा लिया ही नहीं अभी तक। तो बैंक में तो 2,40,000 ही होगा। मेरा अकाउंटेंट 3,30,000 बोल रहा है। दोनों को इक्वल कैसे करें? सर कैशबुक में घटा दीजिए। क्यों कैशबुक घटा रहे हो? इसमें क्यों जोड़ देते हो? कि सर स्टार्ट हुआ है कैशबुक से, जहां से स्टार्ट होता है उसी के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं इक्वल करने के लिए। 2,40,000 जिस जगह पे इक्वल होता है उसके ऊपर वाला आंसर। हम बोले हाँ सर। माइनस में लिखिए 90, तो चार लाइन छोड़ के लिख दिए लिस्ट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया इसको। कितना रुपया? 90,000। देखिए माइनस में 90,000। चलो अगला लाइन की ओर बढ़े। फोर्थ नंबर, बैंक चार्ज 300 रुपया। बैंक आपसे 300 रुपया काटा। बैंक काटा है तो सर बैंक थोड़ी आपसे पूछेगा, बैंक तो काट लेगा। इस बारे में क्या हमको पता होगा? मेरे अकाउंटेंट को पता भी हो बैंक चार्ज काट लेता है? हम बोले नहीं। जो मेरा अकाउंटेंट है उसको कैसे मालूम चलेगा कि बैंक क्या कर देता है मेरे अकाउंट में? तो सर हमको तो कुछ नहीं मालूम होगा। तो मेरा अकाउंटेंट तो बोल रहा होगा कि आपके अकाउंट में 2,40,000 है। बैंक बोल रहा है ना 239,700। क्या दोनों में डिफरेंस है? हम बोले हाँ। ठीक करो सर, यहां घटा दीजिए, कैशबुक में ही घटाइए, क्या कीजिएगा? दोनों बराबर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर कैशबुक क्यों घट रहा है। इक्वल करने के लिए कैशबुक क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सर सवाल स्टार्ट कैशबुक से हुआ था, जिससे स्टार्ट होता है इक्वल करने के लिए हमेशा उसी में आपको प्लस माइनस करना होता है। इक्वल हो गया, जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर। सर माइनस में 300। बैंक चार्जेस माइनस में 300, तो सर माइनस में लिख दिए 300। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,250। बैंक आपको 1,250 रुपए का इंटरेस्ट दिया। बैंक अगर दिया है तो आपके अकाउंट में पैसा वो डाल देता है, थोड़ी आपको बताता है फोन करके कि आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो हम बोले सर बैंक अगर हमको इंटरेस्ट दिया है तो मेरा बैंक का जो पासबुक होगा उसमें पैसा बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ ऐसे ही तो होता है, मेरा पैसा बढ़ गया। किसमें? पासबुक में। बैंक दिया,
क्या इस बारे में अकाउंटेंट को कुछ पता भी चला होगा? हम बोले नहीं। घर बैठे बैठे कैसे मालूम चलेगा कि बैंक क्या कर रहा है आपके साथ? तो सर ये तो कुछ नहीं किया होगा। जब हम इससे पूछ रहे हैं कि भाई मेरा बैंक में कितना पैसा है, तो कितना बोल रहा है? 2,39,700। जब हम बैंक में गए तो बैंक बोल रहा है नहीं, तुम्हारे बैंक में है 2,40,950। दोनों में क्या आ गया डिफरेंस? कैसे ठीक करेंगे? सर यहां जोड़ दीजिए 1,250। दोनों इक्वल हो गया। जिस जगह पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर। सर 1,250 आपको ऐड करना है, ऐड में लिखिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक आपको पैसा बढ़ा दिया। कितना? 1,250। क्रेडिट करने का मतलब क्या? बैंक जब क्रेडिट करती है तो सर कस्टमर का अकाउंट बढ़ जाता है, और बैंक जब डेबिट करती है तो कस्टमर का अकाउंट घट जाता है। हम बोले हाँ। नेक्स्ट छठा नंबर, बैलेंस एज पर पासबुक। खत्म हो गया, अब सवाल नहीं है। आओ प्लस माइनस करें। सर ये आएगा 90,300। हम बोले ठीक। और इधर जोड़ो। सर इधर आएगा 240,376, 377,250। हम बोले हाँ। कौन बड़ा है? सर प्लस वाला, तो पैसा प्लस में आएगा। कितना? 286,950। कैशबुक से स्टार्ट किए हैं तो जो आया है सर वो पासबुक है। हम बोले हाँ ये पासबुक है। नाम क्या लिखे इस पासबुक का? सर प्लस में आया है ना, तो लिखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पासबुक में प्लस का 3 नाम है, कोई भी यूज कर लीजिए। ये खत्म हुआ क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन नंबर 2। लिखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 3। ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता सोड ए बैलेंस ऑफ 1,50,000 हर क्रेडिट, वाइल बैलेंस एज पर कैशबुक 1,12,050। ऑन स्क्रूनिटी ऑफ द टू बुक्स द असर्टन द फॉलोइंग काउजेज ऑफ डिफरेंस। हम बोले चलिए इस बार पासबुक से सवाल शुरू करते हैं। डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2017। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लिखो इस बार स्टार्ट किए पासबुक से, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जब हम पासबुक शुरू में लिखे तो हमको याद आ गया कि सर जो भी इक्वल करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो पासबुक में होगा, कैशबुक में नहीं होगा। हम बोले हाँ। चलो क्रेडिट बैलेंस पढ़ो कितना पैसा है। सर क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में 1,50,000। हम बोले ठीक, लिख ली। क्या यही पैसा यहां भी वर्किंग में लिखते हैं हम लोग? बिल्कुल, दोनों जगह लिख ली। सवाल पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो जब हम लोग डिफरेंस को क्रिएट कर लेंगे, डिफरेंस क्रिएट करने के समय कहीं भी हो सकता है, लेकिन इक्वल करने के लिए जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो किसमें करेंगे? क्योंकि पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो पासबुक में करेंगे। हम बोले हाँ। चलो पढ़े। सी हैज इशूड चेक 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम कौन है? बिजनेस। 80,000 का चेक इशू किए तो सर मेरा अकाउंटेंट 80,000 रुपया माइनस कर दिया होगा। वो बोला आप चेक दे दिए तो पैसा निकाल ही लेगा, तो मेरा अकाउंटेंट तो सर 80 माइनस कर दिया। हम बोले हाँ। लेकिन जिस आदमी को चेक दिए हैं वो अभी तक इस चेक से सिर्फ 32 निकाला है, तो बैंक से कितना निकला होगा? 32। जब वो 32 निकाला है तो मेरा बैंक से 32 ही निकला होगा, तो मेरा बैंक में कितना होगा? बोले सर आपके बैंक में होगा 1,18,000। क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? हम बोले हाँ। अब इस डिफरेंस को इक्वल करो। कैसे करोगे? क्या कैशबुक में प्लस माइनस करेंगे? हम बोले नहीं सर, पासबुक से सवाल स्टार्ट हुआ है, आपको जो करना है वो आप पासबुक में करो। इक्वल करना है दोस्त, पासबुक होना इतने काम करके, तो सर यहां 70 है तो यहां भी 70 होना चाहिए, माइनस कीजिए 40। यहां कितना हो गया? 70। यहां तो 70 था ही, इक्वल हो गया।
जहां पे इक्वल हुआ है क्या उसके ऊपर वाला आंसर है? हम बोले हाँ, माइनस में 48। तो बोले सर लिस्ट में जाएगा और माइनस के साइड में लिखिएगा। बोले ठीक, क्या लिखे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और नहीं समझ में आता हो तो किताब में जो लाइन लिखा है डिक्टो देख के वैसे ही लिख दीजिए फिर, और क्या, अगर आप नहीं लिख पाते उतना भी। तो सर 48,000 माइनस में लिख दिए। नेक्स्ट पढ़िए, सी रिसीव ए चेक ऑफ रुपीज 5,000 विच सी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन टू दी बैंक। बोल रहा है 5,000 का इसको चेक मिला जो ये कैश बुक में लिख दी, मतलब 5,000 का हमको चेक मिला। तो हमने अकाउंटेंट को बता दिया कि 5,000 का चेक मिला है, तो मेरा अकाउंटेंट बोला ठीक आपके बैंक में अब हो जाएगा 75। लेकिन ये चेक बैंक में डाला ही नहीं गया, तो सर बैंक में कुछ नहीं हुआ होगा, तो बैंक तो 70 ही बताएगा। जब आप चेक ही नहीं डाले तो बैंक क्या कर सकता है? तो बैंक बोला 70, दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक करो सर, पासबुक में करेंगे, दोनों इक्वल हो गया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस चेक रिसीट बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीट बट नॉट सेंड टू बैंक कितना? 5,000। पॉइंट नंबर टू भी खत्म। थर्ड नंबर, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर येट। बोल रहा है 22,000 का चेक जमा किए बैंक में, तो मेरा अकाउंटेंट बोला आप 22 जमा किए हैं ना, तो पैसा बढ़ जाएगा आपके अकाउंट में, हो जाएगा 97। लेकिन बैंक अभी तक इस चेक को क्लियर नहीं किया, तो बैंक कुछ नहीं किया आपके अकाउंट में जमा हुआ, तो सर बैंक बोल रहा है 75, दोनों में डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे सर? प्लस कीजिए, दोनों को इक्वल करना। ठीक करने का मतलब यही है। लो इक्वल हो गया सर, जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक अभी तक आपको क्रेडिट नहीं किया इसके लिए। कितना रुपया? बोले 22,000। चलिए आगे बढ़िए, अगला नंबर, पॉइंट नंबर 4, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक येट। बोल रहा है मिस्टर गुप्ता नाम कोई आदमी है जो मेरे बैंक अकाउंट में जाके 15,700 जमा कर दिया। तो अगर वो जाके जमा कर देगा तो सर मेरा तो पासबुक में पैसा आ जाएगा 15,700। इस बारे में हमको तो पता भी नहीं, हम कुछ किए भी नहीं, तो सर हम बोल रहे हैं 97। जब आपने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं बताओ कितना पैसा, बोल रहा है 97,000। और जब हम जाके बैंक में चेक कर रहे हैं तो बैंक हमको बोल रहा है 1,12,700। क्या दोनों में डिफरेंस आ गया? बोले हाँ। ठीक करो सर, माइनस करना पड़ेगा। जहां पे बराबर हुआ उसके ऊपर वाला आंसर, सर माइनस में लिखिए। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सीधा बैंक में जमा कर दिया कोई कस्टमर, और हमको पता भी नहीं है इस बारे में, तो हम क्या किए? माइनस में लिख दिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला पढ़ो, फिफ्थ नंबर, बैंक हैज क्रेडिटेड 1500 इंटरेस्ट एंड 250 एज बैंक चार्ज। बैंक आपको 1500 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, तो सर बैंक तो प्लस कर दिया होगा। क्या बैंक जब इंटरेस्ट देता है तो हमको अकाउंटेंट जो कैश बुक बनाता है उसको भी फोन आता होगा कि भाई हम तुमको इंटरेस्ट दिए तुम एंट्री कर लेना? बोले नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करता है बैंक, तो हमको तो पता ही नहीं है। हम बोल रहे हैं 97,000, बैंक बोल रहा 98,500। क्या दोनों में डिफरेंस आ जाएगा? हम बोले हाँ, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। बताओ कैसे ठीक करेंगे? सर माइनस कर दीजिए 1500 रुपए, हो गया 97,000। चलिए सर माइनस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक,
इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना रुपया? सर 1500, तो माइनस में लिख दिए 1500। अगला उसी में था कि बैंक आपसे चार्ज काटा है 250 रुपया का, बैंक काटा है तो सर बैंक माइनस किया। हमको पता चलेगा क्या? हम बोले नहीं, अकाउंटेंट को फोन थोड़ी आता कि बैंक क्या कर रहा है। तो बैंक में जब गए तो बैंक बोल रहा है 96,750, हम बोल रहे हैं 97, दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे? सर 250 रुपया प्लस कर दीजिए, 250 प्लस कर दिए दोनों, बराबर हो गया, जहां बराबर हुआ उसके ऊपर प्लस है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो जोड़ो, तो ये हो जाएगा सर 1,77,250। हम बोले ठीक, इधर जोड़ो, पैंसठ हजार दो सौ। चलिए कौन सा साइड बड़ा है? सर प्लस का साइड, तो 1,77,250 प्लस में है और माइनस में है 65,200, कितना बचेगा? हम बोले आओ देखें, 1,12,050 रुपया बचेगा, प्लस के साइड में बचा। पासबुक से स्टार्ट किए तो खत्म किस पे होने वाला है? कैश बुक पे। बताओ तो दोस्त, प्लस में कैश बुक का नाम क्या लिखते हैं? सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखिए, यही आंसर है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टन दी बैलेंस दैट वुड अपेयर इन दी बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31st December 2017। नंबर 1, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 6340। इस बार ओवरड्राफ्ट दिया है कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट कैश बुक प्लस या माइनस? सर माइनस। चलो लिखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एच पर कैश बुक कितना? 6340। कुछ आइटम प्लस होने वाले होंगे, कुछ आइटम माइनस होने वाले होंगे। क्या इसी पैसे को हम यहां भी लिख देंगे? हम बोले हाँ, हम तो यहां भी लिखेंगे। सवाल किससे स्टार्ट हुआ है? कैश बुक से। तो सर इक्वल करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट प्लस या माइनस करना होगा वो कैश बुक में होगा, पासबुक में नहीं होगा। हम बोले हाँ। चलो पढ़े, नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st December 2017 160 इज इंटर्ड इन पासबुक। बोल रहा है बैंक आपसे ओवरड्राफ्ट के ऊपर 160 रुपया का इंटरेस्ट लिया है, तो सर बैंक तो हमको माइनस कर दिया होगा। हम बोले ऑफकोर्स, इस बारे में क्या हमको पता होगा? हम बोले नहीं। तो हम बोल रहे हैं 6340, जब हम बैंक गए तो बैंक बोल रहा है नहीं 6180, दोनों में क्या आ गया डिफरेंस? ठीक कैसे करेंगे? सर कैश बुक में माइनस कीजिए, 160 रुपया माइनस, दोनों इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर। सर माइनस में 160, तो माइनस में लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, 160 रुपए। हम बोले हाँ। अगला पॉइंट पढ़ा जाए, क्या है पॉइंट नंबर 3, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन दी पासबुक ओनली। बोल रहा है बैंक आपसे 400 रुपया चार्ज काटा है, तो बैंक क्या किया होगा? चार्ज माइनस किया होगा सर, और क्या करेगा? क्या इस बारे में हमको टेलीफोन करेगा? ना, हम तो कुछ नहीं किए होंगे। डिफरेंस, बैंक में जब हम पता करने गए तो 5780, मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 6180, दोनों में डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे? सर माइनस करके,
दोनों जहां पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर, सर माइनस में लिखिए 400, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना रुपया 400 माइनस में लिख दिए 400। आइए अगला नंबर पढ़े, अगला नंबर क्या है सर? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, चेक इशूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर 11,68,000। बोल रहा हम चेक इशू किए लेकिन वो गया ही नहीं पैसा निकालने, हम इशू किए तो हम तो माइनस किए होंगे 11,68,000, वो बैंक गया नहीं तो बैंक कुछ नहीं किया। बोले ठीक, मेरा बैंक कितना बोल रहा है 5,780, जबकि मेरा अकाउंटेंट कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है माइनस में 11,62,220। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे सर? कैश बुक में जोड़ लीजिए 11,68,000, दोनों इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर। हम बोले सर प्लस में 11,68,000 लिखिए। बोले चलो क्या लिखे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना रुपया 11,68,000। पॉइंट नंबर 5, चेक पेड इनटू दी बैंक बट नॉट क्लियर 22,17,000। बैंक में हम 22,17,000 जमा किए तो सर मेरा अकाउंटेंट तो जोड़ दिया 22,17,000। हम बोले हाँ, लेकिन वो बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक कुछ नहीं किया। बैंक बोला अभी जमा नहीं हुआ है पैसा। बैंक से हम जब पूछ रहे हैं तो बैंक बोल रहा है 5,780, और जब अपने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है 22,22,780। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे? माइनस करके 22,17,000 माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल होगा उसके ऊपर वाला आंसर। तो हम बोले हाँ, माइनस में लिखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक कितना सर? माइनस में लिखिए 22,17,000। गुड, आगे बढ़ो। उसके बाद 6 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय दी बैंक 12,00,000 इन दी पासबुक। बोल रहा है बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करके क्रेडिट कर दिया है पासबुक में, कितने रुपए का 12,00,000 का, मतलब बैंक मेरे अकाउंट में 12,00,000 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ दिया, क्रेडिट कर दिया, अलग प्लस कर दिया तो मेरे पासबुक में तो हो गया। क्या जब बैंक ये सब काम करता है तो बैंक क्या आपसे पूछने बताने आता है कि हम तुमको 12,00,000 का इंटरेस्ट कलेक्ट करके जमा कर दिया? बोले नहीं। तो सर अकाउंटेंट तो अपने ऑफिस में बैठा है, उसको कैसे मालूम चलेगा कि बैंक क्या क्या करता है? तो सर अकाउंटेंट तो कुछ नहीं किया होगा। हम जब अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है 5,780 रुपया है, और बैंक बोल रहा है 12,05,780 रुपया, दोनों में डिफरेंस, ठीक कैसे करेंगे सर? प्लस बारह लाख रुपया प्लस करके, दोनों इक्वल हो जाएगा 12,05,780। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला क्या बनेगा? बोले सर उसके ऊपर वाला आंसर। तो सर इसके ऊपर 12,00,000 प्लस में, तो प्लस में लिखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट Not recorded in cash book. कितना 12,00,000। चलो जोड़ा जाए कि जोड़ के कितना रुपया आएगा, आइए जोड़े सर। ये आएगा
68,000। हम बोले हाँ, इधर जोड़िए, ये आएगा 22,23,900। 22,23,900 प्लस माइनस में कौन बड़ा है? सर प्लस वाला बड़ा है। कितना रुपया से? सर 1,44,100। 1,44,100 देखिए वही आंसर होगा। प्लस में आया है, पास कैशबुक से स्टार्ट किए थे तो सर ये पासबुक आएगा। हम बोले हाँ ये पासबुक आएगा। क्या नाम लिखे प्लस में पासबुक का? सर पासबुक अगर प्लस में आता है तो नाम होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हम बोले हाँ लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 का आंसर।